नाज़रीन, आज की बड़ी खबर अफगानिस्तान के हवाले से है। अमेरिका, जिसने कहा था कि हमने ड्रोन हमला किया है और ये हमने उन लोगों पर किया है जो दाएश के लीडरों को हमने मारा है जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद थे, जिन्होंने काबुल एयरपोर्ट पर हमारे फौजियों को हलाक किया, लेकिन सिर्फ ये झूठ बोल रहे थे क्योंकि इनका कोई भी जासूस अब अफगानिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। फिर इनको ये खबरें कैसे मिली? लेकिन जो इन्होंने धमाका किया, ड्रोन हमला किया, इसके अंदर 6 बच्चे शहीद हुए और 1 आदमी और 2 औरतें भी इसके दौरान शहीद हुई, और आदमी वो था जो इनके साथ काम करता था। इनकी चालाकी देखे कि अमेरिका जाते जाते इतनी घटिया हरकतें कर रहा है और इन मासूम बच्चों को भी इसने निशाना बना दिया है। ये सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर जाते जाते इस तरह के काम कर वहाँ की हुकूमत को बदनाम करना चाहता है और दुनिया को दिखाना चाहता है कि अफगान तालिबान इस काबिल नहीं है कि ये लोग यहाँ पर रह सकें। और जो आदमी इस दौरान मारा गया था, ये आदमी वो था जिसको अफगान तालिबान ने साफ माफ कर दिया था, लेकिन अमेरिका ने इसको धमाके के दौरान उड़ा दिया। और अफगान तालिबान ने कहा है कि ये दाएश का बंदा नहीं था बल्कि ये वो आदमी था जो इनके साथ मिलकर काम करता था। और दूसरी तरफ अमेरिका के जो बाइडन इस्तेमाल करते फिर रहे हैं अपने फौजियों का, यहाँ से जो हेलीकॉप्टर जा रहा है इसके अंदर कुछ तबूतों को लेकर जा रहे हैं और जाहिर ये कर रहे हैं कि हमारे बहुत सारे फौजी जो हैं वो मारे गए हैं। हालांकि कंफर्म नहीं पता कि इन तबूतों के अंदर लाश मौजूद भी है कि नहीं, सिर्फ ये दुनिया को दिखाने चाह रहा है कि हम पर भी हमला किया गया था और हमारे लोग भी मारे गए हैं। और यहाँ तक कि अमेरिका जो ये हमले कर रहा है इसके दौरान बहुत सारे आम आदमी मारे जा रहे हैं और सारी दुनिया के सामने ये अब मौजूद है। तमाम दुनिया पूरी देख रही है कि काबुल में जो भी हमले हुए हैं वो इन लोगों ने किए और जिसके दौरान बहुत सारे आम आदमी मारे गए। और बाकी पहले ये जो पाकिस्तान पर इस तरह के ड्रोन हमले करता था इसके बारे में तो कभी खबरें भी नहीं आई और इनके बारे में किसी को कभी पता भी नहीं चला इसके दौरान कितने लोग मारे गए हैं। इसी तरह की हरकतें हमेशा अमेरिका करता रहता है क्योंकि ये मुसलमानों के बहुत ज्यादा खिलाफ है। वो कभी भी नहीं चाहता कि अफगानिस्तान के अंदर भी इस्लामी हुकूमत कायम हो। और यहाँ तक कि जब इन्होंने मदरसों पर भी हमला किया, जिसके दौरान ड्रोन हमले जब किए थे इसमें भी 400 बच्चे शहीद हुए थे, और अब अफगान तालिबान का साफ इनको पैगाम है कि अगर इन्होंने अपनी ये हरकतें जारी रखी तो हम इन पर अब कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। अगले 24 घंटे इनके लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है। इन 24 घंटों के अंदर अपनी फौजों को यहाँ से निकाल ले, और जैसे ही यहाँ से निकाल कर जाते हैं तो फिर कोई भी इस तरह का हमला हुआ तो हम इनके ड्रोन्स को भी नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ तक कि 20 सालों तक इन लोगों ने हम पर जुल्म किए हैं लेकिन फिर भी हमने इन लोगों को माफ कर दिया है। और दूसरी तरफ अमेरिका ने जो अपने फौजी यहाँ से निकाले थे उन फौजियों को अपने मुल्क में ले जाने के बजाय पाकिस्तान छोड़ दिया है, और पाकिस्तान के लोगों ने इनका बहुत ज्यादा इस्तकबाल किया है और हुकूमत ने भरपूर इनका साथ दिया और ख्याल रखा। लेकिन पाकिस्तान की आवाम शदीद गुस्से में है कि उनका कहना है कि ये वो लोग थे जिन्होंने हम पे जुल्म किए थे, और अमेरिका कभी भी पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं हो सकता क्योंकि हमेशा इसने पाकिस्तान के साथ धोखा किया है और ये पाकिस्तान को कुछ समझता ही नहीं है, इसलिए वह पाकिस्तान के खिलाफ है। और जो बाइडन खास तौर पे जो मुसलमानों का बहुत बड़ा दुश्मन है, इसलिए अभी किसी को ये बात समझ नहीं आ रही। और इनका कहना है कि दूसरी तरफ चीन भी अब पाकिस्तान की इस बात पर नाराज हो रहा है। चीन ने कहा है कि जब हमने 400 अरब डॉलर ईरान पे और अफगान तालिबान पर इसलिए लगाए हैं क्योंकि हमें पता है कि ये इनका मुकाबला कर सकते हैं और अमेरिकों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, और पाकिस्तान पे हमने 64 अरब डॉलर लगाए हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह इनको रखा है, इनको रखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले अफगानिस्तान के अंदर हमले करते रहे और यहीं से पाकिस्तान की सरहद पर भी हमले करवाते रहे, और ये किसी के साथ भी वफादार नहीं हो सकते और ये फिर पाकिस्तान के साथ भी कभी भी वफादारी नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ अफगान तालिबान का कहना है कि हमने अपने लीडरों को अंडरग्राउंड कर दिया है, और ये कहां से इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है और इसके बारे में हम पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और 31 अगस्त तक जब इनकी तमाम की तमाम फौजें यहाँ से निकल जाएंगी तो फिर हम अपने लीडरों को सामने लाएंगे, क्योंकि ये जो ड्रोन हमले कराए जा रहे हैं ये दाएश के लोगों पर नहीं है बल्कि इनको तो ये खुद
सपोर्ट करते थे, ये बल्कि हमारे लोगों पे करने के बारे में सोच रहे हैं। ये चाहते हैं कि हमारे लीडरों को मार सके, हमारे बच्चों को, हमारी औरतों को, हमारे घरों को तबाह कर सके, लेकिन इन्हें नहीं पता कि ये अफगान तालिबान के हाथ आ चुके हैं और अफगान तालिबान इनका बहुत बुरा हाल करने वाला है। इसलिए जो बाइडन को हमारा पैगाम है कि इस तरह की हरकतें बंद कर दें। और दूसरी तरफ इनका कहना है कि ये पाकिस्तान में अपने फौजियों को क्यों लेकर गए हैं, इन्होंने अपने फौजियों को इंडिया क्यों नहीं लेकर गए। पहले तो इनके इंडिया के साथ बहुत ज्यादा अच्छे ताल्लुकात थे और ये कहते थे कि हम इंडिया में अपनी फौजें उतारेंगे और यहाँ से इनके ऊपर हमला करेंगे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो अपने लोगों को वहाँ पर लेकर चला गया है? इंडिया और इन दोनों की मिली भगत होती है हमेशा। और नाजरीन, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है जरूर बताइएगा। ये इतना घटियापन कर रही है, सबके सामने आ चुका है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे जरूर अपने कमेंट्स में बताइएगा। दूसरी तरफ नाजरीन, एक और बड़ी खबर सामने आई है। तालिबान ने पंजशीर के तमाम नेटवर्क तो वादी के बंद कर दिए थे और अब सुनने में यहाँ तक आया है कि वहाँ पर बिजली भी बंद कर दी गई है, क्योंकि अमरुल्ला साले जो पंजशीर वादी में बैठे हैं और पूरी दुनिया को खबरें यहां से देते थे, यानी कि जासूसी करते थे, तमाम मुल्कों को खबरें पहुंचाते थे, लेकिन इसको पूरी तरह से फिर ये दुनिया सपोर्ट करती थी जो मुल्क इनके साथ थे, जैसे इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, इसराइल हो गया, ये तमाम के तमाम इनको भरपूर सपोर्ट करते थे। इसलिए अफगान तालिबान ने जब देखा कि ये ट्विटर के जरिए यहाँ पर पैगाम देता फिर रहा है, तो इन्होंने सबसे पहले नेट बंद किया, उसके बाद अब बिजली तक भी बंद कर दी है ताकि कोई भी खबर इधर से उधर ना जा सके। और जल्द ही अफगान तालिबान ने जो इतनी ज्यादा चोटियों पर कब्जा कर लिया है, पूरे की पूरी वादी पर कब्जा कर लेंगे। और दूसरी तरफ नाजरीन, एक और बड़ी खबर सामने आई है। फ्रांस के जो पाकिस्तान मुसलमानों के और इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन थे, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम मैक्रोन है, उन्होंने मुलाकात करने के लिए कहा है बकायदा अफगान तालिबान से, वो बात करना चाहते। ये वो बंदा था जो इनके बहुत ज्यादा खिलाफ, लेकिन अब उसे भी पता चल चुका है और ये इस्लाम का भी हमेशा दुश्मन रहा था, ये मुसलमानों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, लेकिन अब इसे पता चल चुका है कि अफगान तालिबान इतने ताकतवर हो चुके हैं कि उन्होंने जब अमेरिका को यहाँ पर नहीं रहने दिया तो ये लोग इनके सामने क्या अहमियत रखते। और दूसरी, अफगानिस्तान के अंदर जो इतनी मादियात मिली है, इसके बाद तो ये तरक्की की राहों पर चले जाएंगे, इसलिए अब इसने भी बकायदा इनसे मिलने की दरख्वास्त की है और इनसे बातचीत करना चाहता है। अल्लाह ताला का करना देखें, वही लोग जो पहले इस्लाम के दुश्मन बने हुए थे, अब आहिस्ता आहिस्ता अफगान तालिबान और लोगों के सामने आना शुरू हो गए हैं, यानी कि खुद इनके साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ नाजरीन, एक और बड़ी खबर सामने आई है। आज पाकिस्तान के दो पाक फौज के दो लोग शहीद हुए हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से इन पर हमला किया गया था और इसके खिलाफ ये लड़ते रहे हैं, और इस दौरान इन्होंने तीन दहशतगर्दों को मुकाबले के दौरान मारा है और बाद में खुद भी शहीद हो गए हैं। अब यहाँ तक देखें कि अफगानिस्तान के बारे में कहा जाता था कि यहाँ की सरहदें अभी यूज़ नहीं होगी, लेकिन अफगान तालिबान का कहना है कि हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है, लेकिन जैसे ही अमेरिका की 31 अगस्त तक फौजें निकल जाती हैं तो इंशाल्लाह कोई भी हमला नहीं होगा, क्योंकि फिर पूरे का पूरा अफगानिस्तान हमारे कब्जे में आ चुका होगा। नाजरीन, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।